व्हाइट हाउस ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने की पुष्टि। पहले पत्नी के कोविड पॉजिटिव आने पर भारत आने पर सस्पेंस था। G20 में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार। भारत मंडपम के सामने लगी नटराज की भव्य मूर्ति। सजावट के साथ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। G20 की तैयारियों के बीच में पीएम मोदी की संक्षिप्त विदेश यात्रा। 7 सितंबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जाएंगे जकार्ता। कार्ड में लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रचार समिति की पहली बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर जुटे 15 दलों के नेता। लोकसभा चुनाव से को लेकर रणनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या राम मंदिर में म्यूजियम का प्रेजेंटेशन दिया। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी थे साथ। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा को लेकर एंटी टेरर स्क्वाड के साथ 50,000 पुलिसकर्मियों को G20 के स्पेशल वर्दी के साथ किया गया तैनात। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसे हवाई प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर रोक लगाई। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल से कर रही इसका इस्तेमाल। ट्रैफिक को लेकर भी खास एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस भी 8 से 10 सितंबर तक के लिए बंद किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कांग्रेस की पहली सूची। 6 सितंबर को आने की संभावना। इंडिया बनाम भारत की सियासी जंग। G20 तक पहुंची मेहमानों को भेजे गए कार्ड में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में आपत्ति क्या है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिया और भारत दोनों पर गर्व। बोले कि इसरो, IIT, IIM, IPS इन सभी का आई का मतलब इंडिया है। अरविंद केजरीवाल बोले कि यह देश 140 करोड़ लोगों का है और किसी एक पार्टी का नहीं। अगर इंडिया अलायंस ने भारत नाम रख लिया होता तो क्या बीजेपी भारत को भी बदल देती। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को लग रहा है कि नाम बदलने से इंडिया अलायंस के थोड़े से वोट कम हो जाएंगे। बोले कि ये तो देश के साथ गद्दारी है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत वाले ट्वीट पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी बोले कि अच्छा है कि टीम इंडिया का नाम भारत हो जाए। गावस्कर ने कहा कि अगर BCCI फैसला लेती है और सरकार के स्तर पर हरी झंडी मिलती है तो फिर टीम को देश के मूल नाम से बुलाने में कोई आपत्ति नहीं। पूर्व ICC चीफ और NCP शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश के नाम को बदलने का अधिकार किसी को नहीं। अभिनेता मनोज जोशी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत हमको जान से प्यारा है, भारत माता की जय। सहवाग और अमिताभ बच्चन के भारत वाले ट्वीट पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर कहा कि बीजेपी चाहती है अब लोग इंडिया नाम से करने लगे नफरत। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। मोदी सरकार बताए एजेंडा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 24 दलों की तरफ से पीएम को चिट्ठी लिखेंगे। चंद्रशेखर आजाद का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। आज तक डिजिटल चैनल चुनाव आज तक से कहा कि चुनाव लड़ूंगा, ये तय। कहां से लड़ूंगा पार्टी बताएगी।